हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट की एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में अपना खुद का साइज चार्ट कैसे अपडेट करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप क्लोथिंग में डील कर रहे हो या फुटवेयर में, जैसे कोई भी कैटेगरी हो गई जिसमें साइज मेंशन करनी पड़ती हो आपको, तो उसमें अपना साइज चार्ट खुद का ही ऐड कीजिए, क्योंकि ये इम्पेक्ट करता है आपकी सेल्स के रिटर्न पे। अगर आप एक्यूरेट साइज चार्ट अपडेट नहीं करोगे ना, तो रिटर्न परसेंटेज आपके हाई हो जाएंगे। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कीजिए। इसका प्रोसेस क्या है तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हम इसका लाइव प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने लॉग इन कर लिया है फ्लिपकार्ट का सेलेक्ट डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम जाएंगे जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं राइट हैंड साइड में, वहां पे आपको जाना है, कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा लिस्टिंग एंड कैटलॉग का, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो उसका पहला ही ऑप्शन यानी कि एड और चेंजेस रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है आई वॉन्ट टू अपडेट एड साइज चार्ट फॉर माई लिस्टिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो, है ना, जैसे आप क्लिक करते हो ना, तो ये ऑप्शन आ जाएगी। अगर आपको सिंगल लिस्टिंग में, मतलब कि कुछ ही लिस्टिंग में आपको साइज चार्ट अपडेट करवाना है, तो आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है उसके हिसाब से। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारी लिस्टिंग में एक साथ करवाना है, तो बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप सेलर सपोर्ट के जरिए कीजिए। तो वो कैसे करना है, तो ये यहाँ से आपको टिकट रेज कर देना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है वही जो मैंने आपको बताया था, आई वॉन्ट टू अपडेट एड साइज चार्ट फॉर माई लिस्टिंग, एज इट इज आप सेम भी लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है साइज चार्ट फॉर्मेट, तो वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो हमने ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आगे का प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही मैंने ओपन की ना ये फाइल, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। यहाँ पे आइडियल फोर, यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी सेल कर रहे हो ना, यहाँ पे इनमें से सारे ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी आ गए जिसमें साइज चार्ट आता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताने वाला हूँ मेंस टी शर्ट का। तो मैं यहाँ पे वन बाय वन करके सारी कॉलम फिलअप करूंगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आइडियल फोर में मैं मेंस ले लूंगा। ब्रांड में आपको अपनी ब्रांड का नाम डालना है। वर्टिकल क्या है, तो वर्टिकल में मैं डाल दूंगा टी शर्ट, है ना, वो कोई मैंडेटरी नहीं है। जितना भी ग्रीन कलर किया हुआ है ना, वो मैंडेटरी है, क्योंकि आप यहाँ पे टी शर्ट में फिलअप कर रहे हो, तो वहां पे नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, फिर भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो आप। उसके बाद आता है टाइप। टाइप में मेरी जो टी शर्ट है वो राउंड नेक है, तो मैं यहाँ पे मैं राउंड नेक डाल देता हूँ। उसकी स्लीव क्या है, तो मैं टी शर्ट की स्लीव है हाफ स्लीव। उसके बाद आता है क्वालिफायर, इंचीज में जो आप देने वाले हो साइज चार्ट, वो इंच में होगा, इंच में ही देना होगा आपको। तो यहाँ पे जो मेरी टी शर्ट है उनकी जो साइज की अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से मैं साइज यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपना साइज चार्ट आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह का मेरा जो प्रोडक्ट है उसका साइज चार्ट इस तरह से है। तो उसका जो चेस्ट साइज है, उसकी जो साइज है, वो इस तरह से कुछ है। तो मैं यहाँ से मेरी साइजेस है ना, एस से लेकर डबल एक्सएल तक है, एक्सेस नहीं है, हमने ऐसे ही क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मैं फिलअप करूंगा एस से लेकर डबल एक्सएल तक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वन बाय वन लिख लेते हैं, एस एम एल एक्सएल और डबल एक्सएल। फिर यहाँ पे ब्रांड साइज, जो साइज मैंने वहां पे ऊपर लिखी है वही सेम मेरी रहने वाली है। तो मैं सेम रिपीट, जो ऊपर के रो में फिलअप किया है वो सेम रिपीट मैं साइज, ब्रांड साइज है उसमें फिलअप कर दूंगा। उसके बाद आता है चेस्ट की साइज, तो यहाँ पे आ जाएगा एस साइज में 33 है, एम साइज में 36 है, 33 36। एल साइज का मैं बता देता हूँ, एल साइज में 40 44 और 48 है, 48। और ये जो आप देख पा रहे हैं नेक शोल्डर स्लीव लेंथ लेंथ वेस्ट, अगर इन सब का भी आपके पास मेजरमेंट हो तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप फिलअप कीजिए, कोई मैंडेटरी तो है नहीं। अगर आप दे दोगे तो अच्छा है, नहीं दोगे
तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मेरी हाइट का दिया हुआ है, तो मैं लेंथ का डाल देता हूँ साइज के हिसाब से। अगर मेरी एस साइज की प्रोडक्ट है तो उसकी हाइट है 25 इंच और एम साइज में है 27, एल साइज का 28, 30 और 31, है ना। बस ये फाइल आपको फिलअप करके सेव कर देनी है। जैसे ये फाइल सेव हो जाती है उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा। उसी के साथ एक और आपको शीट देनी होगी, वो हम आपको बता देते हैं कौन सी रहेगी। जो साइज चार्ट का टेम्पलेट था ना, उसी के साथ आपको FSN IDs का भी लिस्ट देना होगा, क्योंकि आपको टीम को बताना होगा कि ये जो FSN IDs हम दे रहे हैं उसमें ये साइज चार्ट अपडेट करना है। तो उसके साथ आपको ये टेम्पलेट भी रेडी करके देना पड़ेगा, यानी कि ये एक और एक्सेल शीट बना के उसमें FSN IDs जिसमें आपको साइज चार्ट ऐड करवाना है वो भी फिलअप करके देना होगा। दो फाइलें देनी होगी टोटल, है ना। उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे, जहां पर आपको अपलोड करना है साइज चार्ट का फॉर्मेट प्लस जो आपने FSN IDs लिए हैं जिसमें आपको ऐड करवाना है, उसको दोनों फाइल को यहाँ पे वन बाय वन करके अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर देना है क्या करवाना है आपको लिस्टिंग में। अगर आप सब्जेक्ट भी एज इट इज लिख देते हो तो भी चलेगा। उसके बाद आपको क्रिएट टिकट कर देना है। जैसे आप क्रिएट टिकट कर देते हो ना, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा 24 to 48 आवर्स के अंदर। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो ना तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।